से देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, तुसी देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी। पंजाब दी खबरां दे बुलेटिन दे नाल हर रोज दी तरह मैं हां गीता सक्सेना। आओ सब तो पहला नजर कर लेने आज दी खास खबरां ते। गुजरात नवे मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र पटेल। सारागढ़ी जंग के 124वीं वरेगंढ मौके शहीद सैनिकों को कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों श्रद्धांजलि। बीजेपी के शासन तहत हफ्ते भर की छुट्टी और कामकाजी दिन में अंतर खत्म, कहा राहुल गांधी ने। ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज बने भारतीय मूल के हेमंत तंजी। भाजपा विधायक दल ने अपनी अहम मीटिंग भूपेंद्र पटेल गुजरात का नवा मुख्यमंत्री चुनिया है, जिस दे नाल हुण श्री पटेल राज दे नवे मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात विच बीते दिनी भाजपा विधायक दल ने अपनी अहम मीटिंग विच भूपेंद्र पटेल नूं अपना नवा मुख्यमंत्री चुनिया है। इस तरह हुण श्री पटेल राज दे नवे मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल ने 2017 दीआं विधानसभा चोणां विच अहमदाबाद जिले की काटलोड़िया सीट तो कांग्रेस दे शशिकांत वासुदेव भाई पटेल नूं हराया सी। दस दईए कि शनिवार को राज की राजनीति विच अचानक तो ही उथल पुथल हुई। विजय रूपानी जो 2016 तो गुजरात के मुख्यमंत्री सन, उन्होंने अचानक राज्यपाल नाल मुलाकात करन तो बाद मुख्यमंत्री दे अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। इस तो पहला भाजपा विधायक दल की मीटिंग विच कई नावां ते चर्चा हुई। केंद्र वल्लों अबजरवर वजों खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते होर नेता भी पुजे सन। सारागढ़ी जंग की 124वीं वरेगंढ मौके इतिहासक जंग के शहीद सैनिकों को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्रद्धा के फुल भेंट किए। सारागढ़ी जंग की 124वीं वरेगंढ मौके इतिहासक जंग के शहीद सैनिकों को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्रद्धा के फुल भेंट किए। फिरोजपुर के गुरुद्वारा सारागढ़ी विखे हुए राज पदरी शहीदी दिवस समागम दौरान वर्चुअल तरीके नाल नतमस्तक होने उपरांत अपने संबोधन विच मुख्यमंत्री ने समाना चोटी नेड़े तैनात 36 सिख दे 22 महान सैनिकों नूं याद किया, जिन्हां 12 सितंबर 1897 नूं 10,000 अफगाना वालों किते हमले तो बाद होए कमासान युद्ध दे विच अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां सन। इस मौके शहीद सैनिकों दे वारसां अते वीर नारियां दा सन्मान भी किया गया। इस तों पहलां गुरुद्वारा सारागढ़ी विखे अखंड पाठ दे भोग पाए गए, जिस तो बाद गुरबाणी कीर्तन किया गया। इस तो बाद अरदास की गई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो हुक्मनामा लिया गया। इस मौके शहीदों नूं श्रद्धांजलि भेंट करदिआं खेडां अते युवक मामलों बारे मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा है कि इन्हां सिख सैनिकां दी शहादत नूं विश्व भर विच मानता मिली है। इत्थों तक कि महाराणी विक्टोरिया ने भी इस नूं मानता दित्ती है। सारागढ़ी बारे एक किताबचा जारी करदिआं राणा सोढ़ी ने कहा है कि इन्हां सैनिकां दीआं कुरबानियां नूं हमेशा याद रख्या जाएगा। इस मौके डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के उप कुलपति लैफ्टिनेंट जनरल JS चिम्मा, मेजर जनरल संदीप सिंह, ब्रिगेडियर कंवलजीत चोपड़ा अते कर्नल बलदेव चाहल भी मौजूद सन। केंद्र सरकार ते हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे ते बोलदे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दे शासन काल दे विच हफ्ते भर दी छुट्टी अते कामकाजी दिन दे विच फर्क खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा सरकार का विकास अजिहा है कि एतवार सोमवार का अंतर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जदों नौकरियां नहीं हैं तो की है यह एतवार ते की यह सोमवार। ये गल्लां केंद्र सरकार ते हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रुजगार के मुद्दे ते बोलदियां कहियां। इस तों इलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा की अगवाई वाली केंद्र सरकार ते हमला बोलदियां कहा सी कि उन्होंने 7 सालों के विच ओ सब कुछ वेच दिता जो कांग्रेस की अगवाई वाली सरकार ने 70 सालों विच बनाया सी। हेमंत तंजी, जिन्होंने 3 दहाकों तो वादा कानूनी तजर्बा हासिल है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तंजी सुप्रीम कोर्ट के विच जज वजो सेवा निभा वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए। भारतीय मूल के हेमंत तंजी नूं ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। सिडनी बैरिस्टर बुधवार को NSW की सुप्रीम कोर्ट में जज वजो सेवा निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। तंजी नूं साल 1990 लीगल प्रैक्टिशनर वजो दाखिल किया गया सी अते उन्होंने 3 दहाकों तो वादा कानूनी तजर्बा हासिल है। इस संबंधी भारत में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने ट्वीट करदिया कहा कि सिडनी के बैरिस्टर हेमंत तंजी न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के जज वजो नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗੀਤਾ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।